ओ दाने पे दाना दाना ना ना मेरा दुर्दाना है काम पैसा बनाना किसी बुढे का पता बताना जियो हंड्रेड डॉलर्स मेरे हो गए तीन चार सौ डॉलर उनको मिल गए बाकी जो छः सात सौ डॉलर बच गए वो एडल्ट डे केयर वालों को चले गए कुल मिला के अभी मेरे तकरीबन तैंतीस सौ डॉलर हो जाते हैं थर्टी थ्री हंड्रेड मेरा अपना कोई एडल्ट डे केयर नहीं है मैं मुझे आप समझ ली कि आई एम जस्ट ओनली एजेंट नी मैं सिर्फ एक दिन के लिए जाती हूँ अच्छा और एक दिन के लिए भी क्या बस अपना कमीशन उठाने के लिए जाती हूँ छह सात लोग हैं मेरी नजर में और भी तो उनको भी इनशाला इधर उधर खपा दूंगी मैं मेरा टारगेट है कि मैं 2025 आने से पहले पहले ना तकरीबन 100 लोग कर लूं जो यहाँ पे बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े चैंपियन बने फिरते हैं ना सारे यही काम करते हैं नाजरीन। मैं परवेज पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ आज की जो हमारी चलते हैं इनका नाम दुरदाना है और ये ओ दाना पे दाना दाना ओ दाना पे दाना दाना दुर्दाना है काम पैसा बनाना किसी बुढे का पता बताना जियो मेरा नाम है दुर्दाना और अगर आपके पास किसी बुढे का या बुढ़ी का पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा दुर्दाना साहब खुश, क्यों लग रही दुर्धाना खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि आज मैंने तीन नए ग्राहक बनाए तीन ये जो एडल्ट डे केयर्स होते हैं ना इनमें आज मैंने तीन लोग जमा कराए हैं दाखिल करवाए हैं तो वहां से मुझे आएगा कमीशन वो भी पूरे तीन सौ डॉलर का तीन सौ डॉलर मतलब आपको हंड्रेड डॉलर्स ईच अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको ये सौ डॉलर्स मिलते कैसे हैं और फिर ये निज़ाम चलता कैसे देखिए ये बड़ी सिंपल सी बात है ठीक है ये निज़ाम भी बहुत आसान है पैसा कमाना बहुत आसान है इसमें ठीक है इसमें होता है कि जो इंश्योरेंस वाले होते हैं ना वो चार्ज करते हैं एडल्ट डे केयर वालों को ठीक है तो उसमें वो किसी को हजार डॉलर देते हैं किसी को बारह सौ किसी को तेरह सौ या मतलब चौदह सौ जिस तरह भी आप कह लें उसको हुँ. तो उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है वो भले उनको दो हजार डॉलर दे मेरा मसला ही नहीं है हुँ. जी तो उसमें ये होता है कि जब मैं किसी को लेकर जाती हूँ ना मैं लोगों को कन्विंस करती हूँ कि जी आपने वैसे आप घर में बैठ के क्या कर रहे हैं लेकिन अगर आपको मैं तीन सौ या चार सौ डॉलर की ऑफर दू पर मंथ तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है अच्छा मतलब लोग जो है वो, आ, घर बैठे रहे हैं, घर मरे घर बैठे रहे हैं। उस, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है मुझे, मेरा जो ताल्लुक है वो है मेरे अपने हंड्रेड डॉलर्स के साथ उसमें जो हंड्रेड डॉलर्स का मुझे कमीशन मिलता है मुझे अपने कमीशन से गर्ज है अच्छा। मुझे उनसे बुढ़े बुढ़ियों से नहीं है आई आई हेट बिकॉज आई एम नॉट बुड्ढी ना यू नो मतलब आपकी और मेरी उम्र में दो चार साल का ही फर्क होगा ठीक है दिखने में मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ आपसे कम्युनिटी अच्छा। के लोग काफी तारीफ करते हैं मैं रील्स बनाती हूँ बाकी लोग बहुत तारीफ करते हैं तो ये है कि मतलब हंड्रेड डॉलर मेरे हो गए तीन चार सौ डॉलर उनको मिल गए बाकी जो छे सात सौ डॉलर बच गए वो एडल्ट डे केयर वालों को चले गए तो और आप... एडल्ट डे केयर आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे हैं न्यूयॉर्क में हुँ। हुँ। तो आप ये इसके अलावा कोई और आपका बिजनेस है चोगे? नहीं नहीं मेरा म, मतलब अगर आपका कहने का मकसद ये है कि मेरा कोई बिजनेस मतलब मेरा कोई एडल्ट डे केयर है तो नहीं है मेरा अपना कोई एडल्ट डे केयर नहीं है मैं मुझे आप समझ ले कि आई एम जस्ट ओनली एजेंट नी मैं सिर्फ एजेंट नहीं हूँ लेकिन आप ये नहीं समझती कि ये एक जुर्म है और इंश्योरेंस वालों को धोखा देना मुझे एक बात बताएं ये इंश्योरेंस वालों को कोई मसला नहीं है ये डे केयर वालों को कोई मसला नहीं है किसी को भी कोई मसला नहीं है आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है यह जुर्म है या जुर्म है ये कौन सा जुर्म है नहीं लेकिन ऐसा कमाना कौन सा जुर्म है जुर्म नहीं है लेकिन ये हलाल कमाई भी तो नहीं है ना तो नाजरीन को मतलब बताएं मैं के... हराम कमा रही बताये नाजरीन को बताएं आप करती क्या है अभी तक मैं आपको हीर रंझे की कहानी सुना रही थी ना मतलब वो कहते हैं कि की सारी रात हीर रंझे का किस्सा सुना सुबह उठ के पूछा कि भाई वो हीर मर्द थी औरत था अच्छा चलिए ठीक है आप बस सिंपली ये बताएंगे आप करती क्या है देखे मेरा जो काम है ना वो बहुत आसान है मैं सिर्फ एक दिन के लिए जाती हूँ अच्छा और एक दिन के लिए भी क्या बस अपना कमीशन उठाने के लिए जाती हूँ अच्छा डिफरेंट सेंटर्स में मतलब तो तीस तकरीबन लोग हैं मेरे पास और मेरे तीन हजार डॉलर हो जाते क्योंकि जो डॉलर्स की खुशबू है ना आई लव डॉलर्स की खुशबू ही ऐसी है मतलब

आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाना है वहाँ पे अपने कमीशन के डॉलर्स लेने एंड हार्ड कैश उसके बाद आपको वापस आ जाना है बस उसके बाद आप मज़े करें पार्टी करें इंजॉय करें दोस्तों के साथ जाएं लॉन्ग ड्राइव पे जाएं मैं तो बहुत जाती हूँ तो मुझे ये बताएं कि अब तक आप जो है वो कितने लोगों को वहाँ पर दाखिल करवा चुकी हैं तीस हैं थर्टी आगे काम जारी है मेरा मतलब पर मंथ आपके पास थर्टी थाउजेंड डॉलर आते हैं थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड मुझे ये भी बताएं कि uh, कोई और काम करने का या किसी और जगह पे आपने जी, करने कोई का और आ? काम करने की जरूरत ही नहीं है ना क्या जरूरत है बताएं घर हुँ. बैठे बैठे इतने पैसे मिल जाए आपको घर बैठे बैठे जब माल मिल रहा है हुँ. तो फिर काम क्यों करें बताए लेकिन आपका एक ऑप्शन भी, भी तो होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने बीबी आपका नाम एक्स वाई जी जो भी है काम जो है वो जवान की मौत है पहली बात तो ये है मैंने तो यही सीखा है काम जवान की मौत है अच्छा आपको कभी किसी ने मशवरा दिया है कि आप कोई ग्रोसरी स्टोर खोलें और फिर वहाँ से काम स्टार्ट करें अपना देखिए मशवरे देने वाले तो बहुत होते हैं ठीक है मुझे एक, एक आ, मतलब किसी ने मशवरा दिया था कि आप कोई ग्रोसरी स्टोर खोल लें बाद में जब पता किया तो वो दो लाख डॉलर लगते थे अच्छा तो मैंने कहा मैं पागल थोड़ी हूं यहाँ पे हम पैसा कमाने आए हैं अगर दो लाख डॉलर मेरे पास होते तो मैं पाकिस्तान से यहाँ पे क्यों आती बताएं। मतलब ये तो बेवकूफ़ी की बात है ना कि आप यहाँ पे दो लाख डॉलर्स लगा के वो काम शुरू करें फिर मैंने सोचा कि कोई काम ऐसा हो जो जीरो इन्वेस्टमेंट पे हो फिर आप तो जीरो इन्वेस्टमेंट पे तो फिर आपको पता है ये बहुत जबरदस्त काम है मैं तो आपको भी मशवरा दूंगी अगर आप करना चाहें तो अगर आप कोई अगर आप तीन या चार लोग लेकर आए ना तो मैं आपके भी तीन तीन चार सौ डॉलर करवा दूंगी अच्छा अभी मुझे बताएं कि आपका कोई ग्रुप है आपके आपके साथ और लोग जी, भी जी जी ये देखें मेरी बात सुने ये काम अकेले नहीं होता ठीक है इसके लिए आपको लोगों की हेल्प चाहिए होती है आपको लोग चाहिए होते हैं हम काफी लोग हैं यहाँ पे हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं हम लोग उसमें शेयर करते लोग शेयर नहीं करते मिसाल के तौर तो पे अगर मैं कहीं किसी को कन्विंस कर रही हूं तो मैं पागल हूं अपने हाथ काट के किसी और को दूंगी ठीक है लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा काम मैं करती हूँ मतलब आप लीड कर रही हूँ यस yes. मतलब मुझे इस काम में सीनियोरिटी हासिल है वैसे तो मैं सीनियर नहीं हूँ आई एम यंग माशाल्लाह तो लेकिन उस काम में मुझे सीनियोरिटी है मैं सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा लोग हैं मेरे पास सबसे ज्यादा बुढ़े बुढ़िया मैंने जो है उनको आ, 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 मेरी जबान पे लफ्ज आ रहे है वरगलाना लेकिन मैंने उनको वरगलाया नहीं मतलब कन, मैंने उनको कन्विंस कन्स किया ये जरा ज्यादा अदबी लफ्ज है ना कन्विंस करना हुँ। मैंने उनको कन्विंस किया तो हंड्रेड डॉलर मतलब मैं तो इसलिए तो आपको बार बार ऑफर कर रही हूँ नहीं नहीं मुझे फिलहाल ज़रूरत है लेकिन मुझे बताएं कि जो जो लोग होते हैं घर हो तो हो अच्छा? में बैठ के क्या कर रहे हैं वो बताए हाँ। सिवाय इस चीज के, के जी इस काम एज कर दो उस काम एज कर दो बेटा यू ना करो बेटा वो ना करो इसके अलावा बुजुर्ग कोई काम करते हैं बताएं लेकिन एक खतरा भी तो है ना अगर किस चीज़ का खतरा है उनको बताया कल को अगर मतलब वहां तो, को बिल्ली आएगी डराने हाँ। उनके लिए क्या कुत्ते कुत्ता बहुबहू करेगा तो वो डर जाएंगे मतलब क्या उनको चील उठा के ले जाएगी मतलब क्यों डरेंगे वो बताया अरे इतना बड़ा एक गलत काम कर रहे हैं आपके मशवरे पे हाँ। अगर पकड़े गए तो अरे कौन सा गलत काम कर रहे हैं अरे वो किसी को बता देंगे देखिए मैं जब कन्विंस करती हूँ ना तो उनको बताती हूँ कि देखो अगर कोई पूछे ना तो उनको बताना कि हम एडल्ट डे केयर जाते हैं अच्छा हाँ ऐसे थोड़ी है घर में बैठ के मतलब पूरा प्लान है सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी तो लोग जो देखेंगे तो वो मोटिवेट हो जाएंगे और आपका काम तो मैं दे... मतलब आप देखे ना मतलब घास के साथ दोस्ती थोड़ी करते है घोड़ा बताए बिल्कुल मैं अपने हाथ काट के दू मतलब लोग जो है फिर वो मतलब निकालते हैं उल्टे उल्टे पा, आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी का, का नहीं पता नहीं नहीं मुझे पता आप इस स्टूडियो से बाहर जाए ना तो आपको पता चले ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ना इनके पास अपने लिए इतना वक्त नहीं होता लेकिन दूसरों के काम के लिए बहुत वक्त होता है क्योंकि पाकिस्तान से हैं बेचारे क्या करें जी बिल्कुल नाजरीन दुरदाना हमारे साथ मौजूद है दुरदाना दुरदाना हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इनसे मज़ीद गुफ्तु करते हैं वेलकम बैक हमारे साथ मौजूद हैं दुर्दाना और जिनके बकोल जो हैं वो एक कमीशन एजेंट हैं मुझे ये बताएं कि अब तक जो है वो कितने सेंटर्स में आप उमर रसीदा अफराद को भेज चुके हैं देखें सेंटर तो यहाँ पे काफ़ी हैं और बस किसी सेंटर में छः हैं किसी सेंटर में आठ हैं किसी सेंटर में चार हैं और एक सेंटर में छः हैं तो आज जो है वो जो नए हुए हैं तो वो तीन हैं तो इसी तरह से बस कुल मिला के यही को बत्तीस तैंतीस होंगे तकरीबन न्यूयॉर्क में हाँ जी ये देखिए बड़ा आसान काम है ठीक है कम्युनिटी के पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो यहाँ पे बड़े बड़े लीडर और बड़े बडे चैंपियन बने फिरते हैं ना सारे यही काम करते हैं पता है आपको आपको पता नहीं है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ मुझे ये बात बताएंगे ये आप अपनी बात कर रही हैं या दूसरे मैं कम्युनिटी के हर उस लीडर की बात कर रही हूँ इट फुटो तलू लीडर निकलता है ना मैं तमाम उन लीडर्स की बात कर रही हूँ जो ये समझते हैं ना कि मतलब वो पूरा अमेरिका बैठ के चला रहे हैं तो आपके कोई लिंक्स वगैरह हैं जो आपके काम में मदद करते हैं जैसे आपने बताया कि आप लीड करती हैं देखिए आप... इसके लिए मैं शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा खुआर हुई ना मतलब कोई मुझे मुंह ही नहीं लगाता था मैं जिसको भी बात करती थी वो बोलता था कि भाई ये कैसे मतलब होगा लेकिन जब मैंने एग्जाम्पल्स पुट की मेरे तीन चार लोगों को किया फिर उसके बाद जब उनको डॉलर्स मिलना शुरू हुए ना तो आपको पता है डॉलर्स की जो खुशबू है वो मतलब खींचती है फिर अपनी तरफ बंदे को तो ये आपका गुजारा हो जाता है इस काम से या नहीं नहीं का, मतलब काम तो खैर और भी ये तो जस्ट ऐसे ही थोड़ा बहुत अपना फ़ायदा हो जाता है तो ये जो आपको महाना तीन हज़ार डॉलर मिलते हैं इनका करती क्या है आप मैं पार्टी करती हूँ लॉन्ग ड्राइव पे जाती हूँ करती क्या मतलब आप यहाँ पे कोई अकाउंटेंसी है चार्टर्ड है मतलब मुझसे पूछेगी कि मैं पैसा कहाँ पे लगा रही हूँ नहीं मतलब कोई आप कहीं इन्वेस्ट वगैरह कर रही हैं देखिए मेरी बात सुने बीबी ज्यादा मेरे साथ ना पर्सनल होने की जरूरत नहीं है ठीक है मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास जो भी अर्निंग होती है मेरी मैं वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती हूँ मतलब हम लोग इंजॉय करते हैं आपकी तरह ये ये क्यूबिकल लाइफ नहीं गुजारते हम नहीं मतलब मेरा कहने सवाल का मतलब ये था कि आप मतलब ये अपना प्लान बी के लिए कहीं इन्वेस्ट कर रही हैं कल को अगर खुदा न खास्ता ये काम रुक जाए तो आप कहाँ पे क्या देखिए पहली बात तो ये कि ये जो काम है ये तो चलता रहेगा ये तो रुक ही नहीं सकता अच्छा ये तो कभी रुकेगा ही नहीं काम ठीक है दूसरा ये कि अगर इसके अलावा अगर मैंने कहीं पे कुछ लगाया हुआ है तो मैं इस तरह नहीं बता सकती आपको क्योंकि ये ये चीज़ें मेरी पर्सनल है ना मतलब आप मेरी पर्सनल लाइफ में ना आए ना आप मेरे प्रोफेशन तक रहें तो कम्युनिटी जो जिस कम्युनिटी की आप बात कर रही थी तो आपको पता है वो आपको किस नज़र से देखती है देखिए कम्युनिटी जब मुझे लोग मिलते हैं तो वो तो बहुत अच्छे से मिलते हैं और अगर वो वैसे किसी और के सामने बुराई कर रहे हो या फिर मेरे हवाले से कोई नेगेटिव को बातें कर रहे हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे क्योंकि वो अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं आप अपने काम में मगन हैं देखिए मुझे तो अपना काम करना है आई लव माई वर्क आई लव तो आपने कभी आपको कभी किसी ने कहा कि ये आप सही नहीं कर रहे हैं ऐसा ना करें कभी किसी ने बोला हो लोग हैं बहुत सारे जो खाम खामे कम्युनिटी के चाचा चौधरी बनते हैं और वो समझते हैं कि शायद उनको ही सब कुछ पता है ठीक है तो काफी लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप ये ऐसा काम कर रही है और आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए अभी क्यों नहीं करना चाहिए मैंने उन्हें मशवरा दिया कि तू दो साल सबर कर ठीक है तुम्हें भी दाखिल कराऊंगी और उम्मीद है तब तक मेरा रेट दो सौ डॉलर हो चुका होगा आपने उनको मशवरे हाँ, हाँ, मेरी नजर में काफी सारे कम्युनिटी के ऐसे बुढ़े हैं जो मतलब एक दो साल में इस काबिल हो जाएंगे कि उ, उनका भी पैसा कमा सकती हूँ अच्छा, मेरे, मेरे, मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है हाँ. एक्सेल में और पूरा डेटा होता है पूरा रिकॉर्ड रखती हूँ मैं आप मतलब ऐसे मतलब काफी समझ रही है मुझे देखिए बिजनेस जो है ना बिजनेस बिजनेस पे आपको फिर फोकस करना पड़ता है और मैंने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना था कि जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं ना तो आप बस लग जाएं उस काम में आप बस अपने आप को मतलब उस उस काम में ऐसा अपने आप को काम में लेकर जाएं कि बस फिर आप ही आप हो और, और आपका काम हो तो फिर उसके बाद आपको आपकी मंजिल मिल जाती है और मेरे पास मंजिल है मुझे बताएं कि आपकी मंजिल क्या है आप क्या फ्यूचर देखती हैं अपना देखें मेरी मंजिल भी यही है मेरा फ्यूचर भी यही है ठीक है और आपको पता है कि यहाँ पे किसी को बेवकूफ़ बनाना कोई मसला ही नहीं है लोग आराम से बेवकूफ़ बन जाते हैं और जब पता हो कि कुछ मिल रहा है तो फिर तो बेवकूफ़ बन ही जाते हैं आराम से मज़े से तो, तो देखें जब तक ये लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे तो हमारा कारोबार चलता रहेगा और ऐसा कोई आउट ऑफ द वे हम लोग काम नहीं कर रहे जिसके हवाले से कोई मसाइल हो कोई मसला नहीं है नहीं। हर बंदा चाहता है कि देखें घर में एक बंदा जो बैठा है जिसका काम सिर्फ यही है कि पखिया क्यों चल रहा है लाइटा क्यों चल रही है ने तेरा बच्चा ऊंचा क्यों बोलता है नहीं खाम खाम है अच्छा मतलब उनको लगता है कि हम हाँ। लोग नारोवाल के किसी पिंड में रहते हैं ठीक है उनकी सोच वही होती है लेकिन अब वो न्यूयॉर्क आ जाते हैं लेकिन अगर उनके घर बैठे बैठे उनको तीन चार सौ डॉलर मिल रहा है तो क्या हो गया कोई बुरी चीज़ थोड़ी है अच्छा मुझे ये बताए कि ये जो आप लोगों को रख, जमा करवाती है वहाँ पर सेंटर्स पे उनके घर वालों का क्या रिएक्शन होता है क्या उनके घर वालों को मालूम होता है इन चीजों के बारे में या वो उनसे छुपा कर करते हैं बीबी उनके घर वाले खुश होते हैं अच्छा जो उनके बच्चे हैं वो खुशी से हाँ बिल्कुल खुश होते हैं देखिए वो इंडिपेंडेंट होते हैं बड़ी बात है अपना कमा रहे हैं अपना खा रहे हैं इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है लेकिन गलत करके कमा रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं क्या गलत गलत अजीब सी रट लगाई हुई है सुबह से आपने देखिए इसमें कोई गलत चीज़ क्या है मैं उनको कन्विंस करती हूँ उनको लेकर जाती हूँ अपना टाइम इन्वेस्ट करती हूँ ठीक है ये कोई आम बात नहीं है

देखिए आपके जो आपके जो सवाल है ना उसके दो पार्ट हैं पहला पार्ट तो ये है कि मतलब मुझे कितना अर्सा हो गया मैं बहुत सीनियर हूँ इस काम में और माशाल्लाह मुझे दस बारह साल हो गए ये काम करते हुए मैं मतलब जब पाकिस्तान से आई थी तो इसी काम में ही लग गई थी अच्छा तो मैंने सोचा कि यार छोड़ो दफ़ा करो किसी और कारोबार में जाके तो पैसा लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे तो हमें पैसा कमाना है तो मीटर कैसे चलेगा अपना तो मीटर चलाने के लिए फिर मुझे पता चला कि डॉलर्स के मीटर की बात कर रही ठीक है बिल्कुल तो फिर उसके बाद बस मैंने काम शुरू कर दिया दस बारह साल हो गए मुझे और मैं अपनी फील्ड में काफ़ी सीनियर हूँ और माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं मेरे अभी मैंने आपको बताया कि तीन लोग मैंने दिए नए उनके तीन सौ डॉलर मुझे मिलेंगे और कुल मिला के अभी मेरे तकरीबन तैंतीस सौ डॉलर हो जाते हैं थर्टी थ्री हंड्रेड और बाबी छः सात लोग हैं मेरी नज़र में और भी तो उनको भी इन इधर उधर खपा दूँगी मैं तो फिर अपने मतलब सौ सौ मेरा टारगेट है कि मैं दो हजार पच्चीस आने से पहले पहले ना तकरीबन सौ लोग कर लूँ तो ये... ताकि मतलब एक राउंड फिगर में आ जाऊँ ना तीन सौ तैतीस सौ आपने कहा कि आपके पास तकरीबन हो जाते हैं जी, जी. फिर आप खुद का क्यों नहीं एक सेंटर खोल लेती देखिए खुद का सेंटर खोलने में बड़े मसले मसाइल हैं क्या मसले मसाइल अखराज हैं है, बिल्डिंग है फिर स्टाफ है ठीक है फिर उसके बाद मैं खुद बिजी हो जाऊंगी नहीं तो आपने कहा ना कि आपके तो ग्रुप बने हुए हैं तो आपके पास और भी लोग हैं तो आप उन्हें भी शामिल कर लें देखिए मेरी बात सुने मैं बांट के खाने की कायल नहीं हूँ अपना कमाती हूँ अपना खाती हूँ ठीक है मुझे ग्रुप के दीगर मेंबर्स से ना मिलाए मैं बहुत जो है ना मतलब उनसे बहुत सीनियर हूँ काम में सीनियर हूँ उम्र में सीनियर नहीं हूँ काम में सीनियर हूँ छोटी उम्र से आपने शुरू कर दिया था ना आज छोटी उम्र क्या मतलब मैं जब पांचवी में पढ़ती थी तब से शुरू की यंग है मतलब ना मैं, मैं माशाल्लाह अभी भी यंग हूँ और जब मैंने काम शुरू किया था तब भी मैं यंग ही थी और मैं यंग रहूंगी यस इनशालास आपको तो सेंटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल बिल्कुल बाकी जो आप मशवरे देते हैं ना तो मतलब कम्युनिटी का हर बंदा मशवरे ऐसे देता है जैसे बर्कले में पढ़ाता रहा ठीक है तो मतलब अपने मशवरे अपने लोग अपने पास रखें आपको मैं ऑफर करती हूँ अगर आपने मेरे साथ काम करना है तो आपके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ नहीं आप तो पूरे शो में बस मुझे ही ऑफर करती आई हैं मैंने तो आपको मशवरा दिया है कि आप तो आप आपके फायदे के लिए बात कर रही हूँ यहाँ पे आपको कितना देती होंगे आपको मैं कुछ मतलब एक चले वो आप पार्ट टाइम कर ले आप कर सकती है बट आप में गट्स हैं लोगों को कन्विंस करने की बाकी आपकी मर्जी है जी नाजरीन तुरदाना हमारे साथ मौजूद थी और इन्हीं लोगों की वजह से हमारी कम्यूनिटी का जो है वो नाम बदनाम होता है अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें तब तक देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया अल्लाह हाफिज।